ये सरकार तो लाठी वाली सरकार है, ये सरकार एकदम बेशरम हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार की सड़कों पर एक बार फिर से लाठी चार्ज हुआ। इस बार लाठी चार्ज एस्टेट अभ्यर्थियों पर किया गया, बड़े ही बर्बरतापूर्वक उन पर लाठियां चलाई गई। आप तस्वीरों में कैसे देख सकते हैं किस प्रकार से लाठी चार्ज हुई थी। और अब इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष भी लगातार इन मुद्दों को उठाते आ रहे थे। ट्विटर पर भी उन्होंने कई बार ट्वीट कर कई बातों को रखा है, जैसे कि एस्टेट में मलयालम अभिनेत्री जो पास कर गई थी उसको लेकर भी उन्होंने बातें कही थी। और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह सरकार तो लाठियों वाली सरकार ही है और नीतीश कुमार सबसे थके हुए मुख्यमंत्री हैं। देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो इतना थक चुका है, और अब नीतीश कुमार के पास जो भी बचा कुचा चीज है उसे भी वो बर्बाद कर रहे हैं और उनसे कोई और उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। इतने पदे खाली हैं जिन पर बहाली नहीं हो रही है और ना ही शिक्षकों को उनका अधिकार मिल रहा है। आप सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। ये सरकार तो लाठी वाली सरकार है, इतना शाह रवैया अपना दिए तो घोटाला कर दिए, और पूरे तरीके से जो नौजवान का जो जीवन है, युवाओं का जो जीवन है, उसको बर्बाद करने के लिए। आप देखिए 11 से है और अब 30 हो गया, अब तक जो है तो पक्की नौकरी जो है रिजल्ट में आपने भी देखा होगा, सनी जी अभी टॉप की थी मलयालम के इतनी बड़ी धांधली, जांच कोई नहीं हो रहा। ये सरकार एकदम बेशरम हो चुकी है, जनता से नीतीश कुमार जी को कुछ लेना नहीं है। जो शेष जीवन जो बचा हुआ वो चाहते हैं कि उनका शेष जीवन जो है अच्छे से हो, लेकिन जनता जो सफर कर रही है अब तक जो खाली पद है पद जो है उनको जो उठा दिया, क्या उम्मीद कर सकते। बिहार जो है देश का सबसे युवा प्रदेश है और युवाओं के साथ ऐसी बर्बरता द्वारा बर्बरता कर रही है सरकार। लाठी डंडे अपना अधिकार मांगोगे तो डंडे तानाशाह और क्या। और नीतीश कुमार जी तो हमको फैशन बीच में दामा है भ्रष्टाचार जो रवैया जिस प्रकार से अपनाने का काम कर रहे हैं, एकदम जनता से कटे हुए हैं। ये तो थके हुए मुख्यमंत्री, जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। इतना थका हुआ मुख्यमंत्री पूरे देश में कहीं कोई नहीं। आपने सुना तेजस्वी यादव ने किस तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साधा, साफ तौर से कहा कि वो एक थके हुए मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। जिस तरीके की बर्बरता एस्टेट अभ्यर्थियों पर बरती गई वो कहीं ना कहीं यह दर्शाती है कि जब सरकार अपने नीतियों में नाकाम होती है तो फिर अपने तानाशाही पर उतर जाती है। यह आरोप तेजस्वी यादव ने भी लगाए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें।